أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين بسم الله الرحمن الرحيم جی आयत नंबर 32 उस दिन हमने देखी थी, लेकिन मैंने कहा था इसी से दोबारा आगाज करेंगे। सूरह आले इमरान आयत नंबर 32, 31 देखी थी, 31 से मैंने कहा था दोबारा आगाज करेंगे। قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ। फरमा दीजिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तुम्हें दावा है अल्लाह से मोहब्बत का तो मेरी पैरवी करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। वयग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, तुम्हारे गुनाह बख्श देगा। वल्लाहु ग़फूरुर रहीम, अल्लाह बख्श देने वाला है, मेहरबान है। ये बुनियादी उसूल है दीन का। अल्लाह रब्बे करीम की मोहब्बत पाने के लिए, अल्लाह का पसंदीदा इंसान बनने के लिए जो तराजू है, जो क्राइटेरिया है, वो है सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो जितना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करेगा, उतना अल्लाह का करीबी और अल्लाह का महबूब हो जाएगा। हम सारे वली बनने के तरीके ढूंढते फिरते हैं, है ना, पीरों के पास जाते हैं, फकीरों के पास जाते हैं कि जी अल्लाह का वली बनना चाहते हैं, किताबें भी मिलती हैं अल्लाह का वली बनने का तरीका। तो कोई कहता है कि जी वो वजीफा कर लो, वो हवा में उड़ने लग जाए। फुलां साहब बयान करते हैं कि जी वो मेरे अब्बा फुलां दुआ पढ़ते थे तो उनकी चारपाई जमीन से उड़ जाती थी। फुलां कहते हैं जी मेरे अब्बा को जिन्नात आके मिलते थे, तो हम कहते हैं वाह 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 वाह, ये तो बड़े वली थे। लेकिन कुरान विलायत का क्राइटेरिया ये नहीं बयान कर रहा। कुरान कह रहा है नबी की पैरवी करो तो तुम मेरे पसंदीदा बंदे बन जाओगे। तुम मुझसे क्या मोहब्बत करोगे, मैं तुमसे मोहब्बत करूंगा, तुम्हारे गुनाह बख्श दूंगा। ठीक है, इसीलिए हसन बसरी रहमा ये कहते हैं करामत ये नहीं है कि तुम पानी पर चलो या हवा में उड़ो। हमारे यहाँ तो यही करामते समझी जाती है ना, लिहाजा वलियों से जो नेक हमारे बुजुर्गाने दीन गुजरे हैं उनके साथ ऐसी अजीब अजीब बातें मुंसलिक कर दी जाती हैं कि अगर आप गौर फरमाएं ना तो पीरों बुजुर्गों के किस्सों में और हिंदू देवी देवताओं के किस्सों में कोई फर्क नहीं रह जाता। हसन बसरी रहमा कहते हैं करामत ये नहीं है कि तुम पानी पर चलो या हवा में उड़ो, करामत तो ये है कि तुमसे कभी शरीयत के खिलाफ कोई बात सरजद ना हो और तुम्हारी जिंदगी सुन्नत की मुताबियत यानी पैरवी में गुजरे। सुन्नत की मुताबियत यानी पैरवी में गुजरे, और ये बहुत मुश्किल है। तो जुनेद बगदादी लहरहमा मशहूर आलिम है, तसव्वुफ में उनको जो है ना जादूगरी बना दिया गया है, हकीकत में बहुत बड़े आलिम थे। तो मदरसा का तालीम देते थे, तो एक साहब आए कुछ दिन रहे इनके पास और फिर यानी जाने लगे। पता चला कि जा रहे हैं छोड़ के, इन्होंने बुलवाया, इन्होंने कहा भाई आए ना कोई तारुफ ना कोई एडमिशन ना कुछ, आए कुछ दिन रहे और अब इसी तरह जा रहे हो जैसे आए वैसे ही जा रहे। वो कहने लगे कि जनाब मैंने आपका बड़ा नाम सुना था कि आप बड़े अल्लाह वाले हैं, तो मैं तो इसलिए आया था कि आप मुझे भी अल्लाह वाला बना देंगे, तो मैंने तो आप में कोई खास बात ही नहीं देखी, कोई करामत ही नहीं देखी। उन्होंने कहा अच्छा तुम मेरे पास इतने दिन रहे, तुमने मुझसे शरीयत के खिलाफ या सुन्नत के खिलाफ कोई बात देखी? वो कहने लगा नहीं। तो उन्होंने कहा तुम करामत और किसे कहते हो? ठीक है, तो करामत ये नहीं है, ये हमने बातें बनाई हुई हैं कि वो जी फुलां ने दरिया में हाथ डाला तो कश्ती निकाल दी है ना, और फुलां जो है वो पैदल चलकर दरिया पार कर गए। ये चीजें कभी कभार हो भी जाती हैं, मरे हुए को कोई जिंदा नहीं कर सकता, ये तो नामुमकिन बात है, ये कतई झूठ है। लेकिन बाज़ औक़ात कुछ ऐसी चीज़ें वकूअ पज़ीर होती हैं जो नहीं यानी आम तौर पर हो सकती। जैसे आप देखें कि ये जो थे सहाबा हैं, सहाबी हैं, हज़रत सौब रज़ी अल्लाह अन्हु, ये हैं इनको इनका लकब इनकी कुनियत अब मेरे जहन से उतर गई है। हज़रत सौब जो है ना ये यमन के थे, तो जिस वक़्त ये झूठे नबियों का फितना चला ना उस वक़्त यमन से अस्वद अंसी ने भी दावा नबूवत की, और अस्वद अंसी मुसैलमा कज़ाब के बाद ना दूसरा फेमस झूठा नबी था, बहुत फॉलोअर्स हो गए थे इनके। तो अस्वद अंसी ने यमन पे ऑलमोस्ट हुकूमत बना ली थी मुसलमानों के अगेंस्ट, उसके खिलाफ भी बहुत बड़ी जंग हुई थी।
तो अस्वद अंसी ने सारे लोगों को बिलजबर किसी को, कुछ लोग तो वैसे मान गए ना, अक्सरियत वैसे मान गई, तो जो इस्लाम पर कायम रहे उनको जबरन जो है इसने अपनी नबूवत पर ईमान लाने के लिए मजबूर करना शुरू कर दिया। तो उनमें ये भी थे, हजरत सौद भी थे। तो हजरत सौद जो थे इनको इसने कहा कि मुझ पर ईमान लाओ, इन्होंने इनकार कर दिया। तो वो कहने लगा कि मैं तुम्हें आग में डाल दूंगा। तो इन्होंने कहा डाल दो, मैं तो नहीं छोड़ूंगा, इस्लाम नहीं छोड़ूंगा। तो लिहाजा उसने आग वगैरह जलवाने की तैयारी भी कर ली, और बाज़ रिवायत में आता कि जलवा भी दी। तो जिस दिन जिस वक्त डाला जाना था उससे पहले जो उसके मुशीर थे, एडवाइजर्स थे, उन्होंने कहा कि इसको आग में ना डालो, अगर तुम इसको आग में डालो और ये जलकर मर गया तब भी लोग कहेंगे कि इसका अकीदा कितना पुख्ता था, ये जलकर मर गया मगर इसने अकीदा नहीं बदला, और अगर तुमने डाला और ये बच गया तो क्या जवाब दोगे। लिहाजा फिर अस्वद अंसी ने उनको छोड़ दिया और उनको कहा तुम यमन से निकल जाओ, ये मदीना आ गए। अबू मुस्लिम खौलानी, अबू मुस्लिम इनका नाम है, खौलानी इनका खानदानी सर नेम है, अबू मुस्लिम खौलानी, ठीक है। ये असल में दो नाम है, अबू मुस्लिम खरासानी वो और शख्सियत है, बहुत बात की है, वो पॉलिटिकल फिगर है, और ये है अबू मुस्लिम खौलानी, इनका नाम सौब था, सवाब से सौब। तो ये जो है ये फिर मदीना आए, तो इनके वाकये की तला पहले ही पहुंच चुकी थी, उम्र फारूक रजी अल्लाह अनहु इनसे मिले सबसे पहले मदीना में, अबू बकर रजी अल्लाह अनहु का जमाने खिलाफत था, तो उम्र रजी अल्लाह अनहु सबसे पहले इनसे मिले। तो उन्होंने कहा तुम कहाँ से आए हो अजनबी हो, वो कहने लगे यमन से आए। तो उन्होंने कहा उस भाई का किस्सा सुना जिसे आग में डालने से अल्लाह ने बचा लिया। तो उन्होंने कहा कि हाँ, तो उनका यानी मिले उससे, तो वो मुस्कुरा दिए, उन्होंने कहा जी मैं ही हूँ। तो उमर उनके गले मिले और माथा चूमा और कहा कि अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मुझे इस उम्मत के उस बंदे से मिलने का मौका दिया जो इब्राहिम की मिसल है। तो देखिये अब ये वाकया जो है ये थोड़ा कराइन से हटकर है ना, अल्लाह रब्बे करीम ने उनको बचाया, उनकी हिफाजत फरमाई। तो इस किस्म की चीजें बाज़ोकात होती हैं ईमान को मजबूत करने के लिए। इसी तरह और भी कई छोटे मोटे वाकयात आपको मिलते हैं, जैसे आप देखिए कि हजरत सारिया रजी अल्लाह अन्हु जो थे वो महाज पर थे, और महाज पर उन्होंने आवाज सुनी कि कोई उनको कह रहा है कि पहाड़ की तरफ हो जाओ, या सारिया इलल जबल, या सारिया इलल जबल, क्या सारिया पहाड़ की तरफ हट जाओ, पहाड़ की तरफ हट जाओ। तो सारिया पहाड़ की तरफ अपनी फौज को लेकर थोड़े से हट गए, तो दुश्मन उन पर घात लगाना चाहता था, पीछे से हमला करना चाहता था, वो साइड हो गई तो हमला नाकाम हो गया, कामयाब नहीं हो सका। और उमर इधर खिताब कर रहे थे जुम्मे का, तो अचानक ही उन्होंने ये बात कही, ठीक है, मदीना में खड़े होकर, तो मदीना में खड़े होकर कही। सहाबा ने कहा ये अचानक आप क्या कह रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मुझे ऐसे लगा कि मेरे सामने लश्कर है, मैं देख रहा हूँ, तो उनके उधर से झमला होने लगा, तो मैं बेख्तियारी पुकार उठा। उन्होंने कोई इरादे से नहीं कहा, ना ही उन्होंने कहा कि मुझे अल्लाह ने इल्म दिया या कुछ, उन्होंने कहा मुझे ऐसे लगा कि मेरे सामने मैदान जंग है और उधर से हमला होने लगा, तो बेख्तियारी मेरी जुबान से जुमला निकला। अब वो मदीना में खड़े हैं, वो वहां पर है, लेकिन अल्लाह ने जुमला वहां तक पहुंचवा दिया, ठीक है, शाम में। अब देखें ये पता क्या है, ये अल्लाह की तरफ से था ना, तो उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु ने ये पूरा किस्सा बनाया, और हजरत सारिया रजी अल्लाह अन्हु ने जब वहां से ये हालात लिखकर भेजे तो भी मुसलमानों ने इस वाक्य को कोई वो नहीं किया, मुलम्मा लगाकर कि उमर को तो देखो गैब का इल्म हो गया। ये अल्लाह की तरफ से इशारे हैं, ये अल्लाह की तरफ से मदद है, ठीक है। तो ऐसी चीजें बाज़ोकात हो जाती हैं, लेकिन ये चीजें किसी के नेक होने की अलामत नहीं है, ठीक है, कि किसी के नेक होने का कोई सबूत नहीं है कि अगर तुम अग्नि परीक्षा दोगे तो तुम पाक होगे, है ना, वो जैसे हिंदुओं में है ना, जब रावण उठा के ले गए ना सीता को, उनकी मजहबी एक वाकया है, वो उसको मजहबी रंग देते हैं, तो रावण जब सीता को उठाकर ले गया 10 साल बाद, राम किसी ना किसी तरह छुड़ा लाए बहरहाल, तो सीता पे अब आवाम ने ये इल्जाम उठाया कि 10 साल ये रही रावण के कब्जे में, तो ये पाक दामन कैसे हो सकती है, रावण तो इस पर आशक था। तो सीता ने जब कहा तो किसने बिलीव नहीं किया, तो उन्होंने कहा कि अगर तुम आग पर चलो और आग तुम्हारे पैर ना जलाए तो तब हम मानेंगे तुम पाक दामन। और सीता ने ये आजमाइश पूरी की, इसे अग्नि परीक्षा कहते हैं, और वो उसमें कामयाब भी रही, मगर उसके बावजूद लोगों ने इतनी बातें की कि राम को फिर उन्हें महल से निकालना पड़ा। तो इस्लाम में कोई अग्नि परीक्षा नहीं है कि आप अगर हवा में उड़ेंगे तो आप नेक हैं, आप पानी पे चलेंगे तो आप नेक हैं। नेकी का क्राइटेरिया क्या है, अगर आप नमाज अदा करते हैं, अगर आप अल्लाह के अहकाम पूरे करते हैं, अगर आप लोगों की गीबत नहीं करते, आप लोगों के काम आते हैं, रास्ते से तकलीफ दे चीज हटा देते हैं, लोगों को अपनी जुबान और हाथ से तकलीफ नहीं देते, तो आप नेक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। ये दुरुस्त है कि नेकी के दर्जात हैं। आप देखें जो फराइज अदा करता है अल्हम्दुलिल्लाह वो पास है,
लेकिन जो तहज्जुद भी पढ़ता है उसको स्टार मिलेगा। अब जो चाश्त और इशराक भी पढ़ता है उसके स्टार्स 3 हो गए, ठीक है ना। जो वजू के नफल भी पढ़ता है तहियतुल वजू, उसके 4 स्टार हो गए। जो तहियतुल गुस्ल भी पढ़ता है उसके 5 हो गए। बढ़ाते जाओ, अल्लाह ने तो नहीं रोका, ठीक है। इसी तरह जो रमजान के रोजे रखता है पूरे, वो पास है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अब जो एक्स्ट्रा रोजे रखता है पीर और जुमेरात का, उसका 1 स्टार हो गया। अब जो जो है ये आशूरा का रोजा भी रखता है, उसका 1 और स्टार हो गया। जो आयाम बैस के रोजे रखता है 13, 14, 15 के, उसका 1 और स्टार हो गया। ये तो गुड़ है ना, वो कहते हैं जितना डालोगे उतनी मिठास बनेगी, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। इस्लाम में कोई मुश्किल चीजें नहीं रखी गई। तो इस्लाम फिर विलायत का, या अल्लाह का बंदा बनने का, या अल्लाह का महबूब बनने का क्या नुस्खा दे रहा है? मेरे नबी की पैरवी करो। नबी की पैरवी करोगे तो अल्लाह के महबूब बन जाओगे, सिंपल। इसमें कोई दूसरा तीसरा चौथा कोई शामिल नहीं है। शमसा क्लास के बाद अब देखिए, इसमें कोई दूसरा असूल, कोई दूसरी बात इसमें शामिल नहीं है। हम लोगों ने जो चीजें बना रखी हैं, विलायत के लिए ये वजीफा होना चाहिए, वो वजीफा होना चाहिए, फुलां बाबा जी से तावीज लाओ, उनके तावीज से ये हो जाता है, ये सारी चीजें गलत हैं। और ना ही वलियों के हाथ में, नेक लोगों के हाथ में कोई अख्तियार होता है किसी को शफा देने का या किसी के मसले हल करने का, ये भी गलत तसव्वुर है। खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर नेक कोई नहीं था, और ना अल्लाह का महबूब था कोई। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब लोग आते थे तो आप कहते थे मैं दुआ कर सकता हूँ, शफा देना अल्लाह के अख्तियार में है, ठीक है। तो मसाइल का हल भी कोई नहीं कर सकता, सिर्फ अल्लाह की ज़ात करेगी। हाँ, नेक अफराद दुआ करते हैं, जरूर उनकी दुआ के लिए कोशिश करें। वैसे भी मोमिन की दुआ मोमिन के हक में कबूल होती है। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हु से कहा ना एक साहब ने कि मैं किस तरह दुआ करूँ कि मेरी दुआ कबूल हो, तो इब्ने अब्बास ने कहा पाक जुबान से दुआ करो। तो साहब कहने लगे जुबान को पाक कैसे करूं? उन्होंने कहा तुम्हारे मुसलमान भाई की दुआ तुम्हारे हक में पाक है, अगर से वो खुद गुनाहगार ही क्यों ना हो। तो नेक की दुआ तो फिर और सुभान अल्लाह, सोने पे सुहागा हो गया। पता है सोने पे सुहागा क्या मतलब होता है? सोने को मैल काटने के लिए सुहागा इस्तेमाल किया जाता था। अब तो खैर बहुत सारे आ गए हैं केमिकल्स, सुहागा इस्तेमाल किया जाता था। ये मेटल को क्लियर करने वाले जो ऑक्सीडेंट्स होते हैं ना, उनमें से एक है। तो सोने पे सुहागा फिरता तो चमक जाता है, इसीलिए कहते हैं सोने पे सुहागा, सोने की चमक दोबाला हो जाती है। तो लिहाजा अगर नेक बंदा दुआ करेगा तो इंशाल्लाह कबूल होगी, ठीक है। लेकिन मसाइल का हल अल्लाह के पास है, ठीक है। सबूत क्या है इसका? सबूत भी लाए ना कोई। अच्छा, अहद सहाबा में वो बुजुर्ग थे तो आज है, लाहौर को तो दाता संभाले हुए थे, तो अहदे नबवी में संभाले हुए हैं, तो इनकी पैदाइश से पहले कौन संभाले हुए था? बिल्कुल सही कहा आपने, वो तो आप दे रहे हैं ना कुरान की दलील। मैं तो कहती हूँ अकल की बात करो सबसे पहले, क्योंकि कुरान को जब पढ़ेंगे तब समझेंगे ना। लाहौर में अब हर कोई क्या कहता है, पूरे लाहौर को दाता गंजवख्श संभाले हुए, मान लिया एक लम्हे के लिए आपकी बात मान ली। क्वेश्चन ये है कि दाता गंजवख्श की पैदाइश से पहले कौन संभाले हुए था? अजमेर को ख्वाजा अजमेरुद्दीन, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संभाले हुए हैं। क्वेश्चन फिर वही है कि जब तक वो पैदा नहीं हुए थे तो अजमेर को कौन संभाले हुए था, और जब ये आ गए तो वो कहाँ गया? वो जो पहला था वो कहाँ गया, उसके अख्तियार कहाँ गए? अच्छा जी, दिल्ली को महबूब इलाही संभाले हुए हैं, चलिए मान लिया। तो निजामुद्दीन औलिया जो महबूब इलाही के नाम से मारूफ है, उनकी पैदाइश से पहले दिल्ली को कौन संभाले हुए था, और जो संभाले हुए था वो महबूब इलाही के पैदा होने के बाद वो कहाँ गया? उसकी छुट्टी होगी? ये किस किस्म के संभालने वाले, ये किस किस्म के कादर है? और फिर सवाल ये है कि सहाबा कराम रजी अल्लाह अन्हु के जमाने में सऊदीया को कौन संभाले हुए था, और अब तो सऊदीया में ऐसी कोई कब्र नहीं है, तो अब सऊदीया को कौन संभाले हुए है, हिजाज को कौन संभाले हुए? वो रब्बे करीम जो हई भी है और कयूम भी है ना, कयामुस समावात वल अर्ज, जमीन व आसमान को संभाले हुए। ये बाकी सारी बेकार की बातें। तो लिहाजा अल्लाह का बंदा बनने का बहुत सादा नुस्खा है आपके पास, ठीक है। अपनी एक डायरी बनाएं या अपना एक पेज बनाएं, ठीक, और अपने सारे जो अमाल रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए हैं वो लिख लें। नमाज, ठीक है, अल्लाह के करीब अल्लाह का वली बनने का पहला टोटका नमाज। फराइज तो करने ही करने आता है, फराइज के अलावा फिर नमाजों के साथ जो सुन्नतें हैं
सबसे पहले वो उन पे पुख्ता होना, क्योंकि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, जो ये 12 रकअत अदा करेगा उसके लिए जन्नत में महल बनाया जाए, वो नफल 12 रकअत जो है ना वो यही है जो नमाजों के साथ अदा होते हैं, जिन्हें हम सुन्नतें कहते हैं। उसके बाद तहज्जुद, सबसे बड़ा मुजाहिदा है, तहज्जुद से बड़ा कोई मुजाहिदा नहीं। जितने वजीफे रखे हुए ना, मराकबा करो, फुलाना करो, सब एक हाथ में उधर हो जाते हैं। कोई चीज मुकाबला नहीं कर सकती तहज्जुद की नमाज का। तहज्जुद की नमाज बयत वक्त मुरक्कब है। तहज्जुद की नमाज नफ्स कशी का कोई चिल्ला काम नहीं देगा, कोई जो है तरके जलाली और जमाली काम नहीं देगा, जो तहज्जुद की नमाज काम देगी नफ्स कशी। आप दुनिया की नेमतें छोड़ दें, तकवा की वो कैफियत नहीं आती जो एक रात तहज्जुद पढ़ने से आती। दुनिया में सबसे मुश्किल काम है बिस्तर से उठना, सर्दियों में भी जी, गर्मियों में भी। एसी वाले कमरे से बाहर पहले होता था सर्दियों में, क्योंकि पहले लोग पंखों में सोते थे मैक्सिमम, तो ऑलमोस्ट टेम्परेचर एक जैसा होता था। अब तो हम सोते हैं एसीओ में, वो कंफर्टेबल एसी वाले रूम से निकल के, एयर कंडीशन रूम से निकल कर आम कमरे में आना। अब वहां पर तो आपने एसी नहीं चलाना है ना, तो फिर उस गर्मी को बर्दाश्त करना। तो सर्दी हो या गर्मी, बिस्तर से उठना और बज़ाहर बिला गर्ज। गर्ज तो बहुत बड़ी हमारी पोशीदा है, लेकिन वो नजर नहीं ना आती, अभी करीब मिलने वाली नहीं है। तो बिला गर्ज, बिला सबब, जब सब सो रहे हैं, इससे बड़ा कोई वजीफा, कोई चिल्ला, कोई मुजाहिदा, कोई एक्सरसाइज नहीं है जो आपके नफ्स को काबू में करे। ठीक है, तो तहज्जुद की नमाज। फिर उसके अलावा खुद देखें, आप देखें हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, बिलाल मैं जब गया मेराज पर तो मैंने जन्नत में आपके पैरों की आवाज सुनी। ठीक है, अब ये जो बाकी बातें ना सब कहानी है, ये बाकी बनाई हुई बातें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना ही कहा कि बिलाल मैंने जन्नत में आपके पैरों की आवाज सुनी, आपके चलने की मुझे आवाज आई। मैंने पूछा किसके चलने की आवाज है, जन्नत में चल नहीं रहे थे, चल जमीन पर ही रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि जन्नत में मैंने चलने की आवाज सुनी। मैंने पूछा किसके चलने की आवाज है, तो बताया गया बिलाल के। तो उन्होंने कहा ऐसा कौन सा अमल है कि आपकी इतनी मकबूलियत है अल्लाह के यहां। तो उन्होंने क्या बताया था, हर वजू के बाद मैं जितनी अल्लाह, दो नफल नहीं कहा, जितनी अल्लाह तो पढ़ाते हैं नमाज पढ़ लेता हूं। तादाद क्यों नहीं बताई, उनकी जाती इबादत थी ना, तो उन्होंने अपने ऊपर लाजम कर लिया था कि हर वजू के बाद मैं कुछ ना कुछ नफल नमाज पढ़ूंगा। तो आप देखें कि आप कौन सा खालिस अमल है जो अल्लाह के लिए रखते हैं। तो तहियतुल वजू भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, अपनी अपनी सलाहियत है ना, अपनी अपनी कोशिश है। तो खालिस अमल, फिर उसके बाद नफल रोजे आ जाते हैं, सदकात बहुत अहम है इसके अंदर, और फिर अजकार। ये चीजें आपको खुद बहुत करीब करेंगे, और इन सबसे ज्यादा अहम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को जिंदगी का ओढ़ना बिछोना बनाना, हर चीज की तलब होनी चाहिए। अब देखिए सहाबा कितनी कोशिश करते थे, अच्छा खाते कैसे थे, पीते कैसे थे, सोते कैसे थे, किताबें लिख डाली उस पर। इसलिए अल्लाह का महबूब बनने का तरीका ही ये जानना है कि आप क्या करते थे और कैसे करते थे। ठीक है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदाज में ढलना। अब ये सिर्फ खाने पीने तक नहीं रहना चाहिए, वो तो जाहिर है ना, आपका गुस्सा कैसा था, आपकी खुशी कैसी थी। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लोगों के साथ रवैया कैसा था। देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कहते हैं ना कि सब कहते हैं कि हमें लगता था आप हमें ही सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, क्या हमारे अंदर इतनी मोहब्बत है, हम सबके साथ ऐसे पेश आते। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी अपनी जात के लिए बदला नहीं लिया, कभी नाराज नहीं हुए, कभी बुराई का जवाब बुराई से नहीं दिया, कभी किसी को सख्त अल्फाज नहीं कहे। अब ये असल अखलाकियात ये है, असल सुन्नतें ये हैं, आपकी सबसे बड़ी सुन्नत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी जिंदगी अपनी जात के लिए किसी से बदला नहीं लिया, किसी से नहीं ली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी सुन्नत, आपने सारी जिंदगी कभी किसी को बद्दुआ नहीं दी, सिवाय एक मौके के जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू लहब वगैरह को बद्दुआ दी थी, जब आप नमाज पढ़ रहे थे तो इन्होंने औजड़ी लाकर जब आपके कंधों पर रख दी थी, तो फिर काफी देर तक आप सजदे में रहे। फिर अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं मैं देख रहा था मगर मेरी जुर्रत नहीं थी कि मैं आगे बढ़ के हटा देता, क्योंकि वो गैर अरब गैर कुरैश थे ना, गैर कुरैश थे, कुरैश में से नहीं थे, कबीला बनू हुज़ैल में से थे, तो उनको पता था कि तो मुझे मारी डालेंगे। तो फिर जाके घर में बताया तो हज़रत फातिमा ही, तो हज़रत फातिमा ने खींच खांच के हटाई, क्योंकि बच्ची थी अभी, तो बहरहाल उन्होंने खींच खांच कर हटाई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे और नमाज पढ़ने के बाद फिर सलाम फेरने के बाद आपने बद दुआ की ना,
क्या आपने कहा कि अल्लाह जी कुरैश को पकड़, अल्लाह जी अबू लहब को पकड़, अल्लाह जी अबू जहल को पकड़, जिस जिसका आपने नाम लिया उनमें से फिर बचा कोई नहीं। ये वाहिद ही था जब आपने बद्दुआ दी, ठीक है। लेकिन आप देखें कि किस तरह उन्होंने लिमिट क्रॉस कर ली थी ना, ये नहीं कि छोटी छोटी बातों पे बद्दुआएं, जैसे हम अपने बच्चों की देना शुरू हो जाते हैं, तेरा बेड़ा गर्क हो जाए, तेरा कख ना रहे, अच्छा फिर बाद में जब वो बद्दुआएं पूरी हो जाती हैं फिर बैठ बैठ के रोते हैं। अच्छी बात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा क्या करते थे, अच्छी बात, अच्छी बात, आसिन बात, फिर एहसार करना। देखिए इस्लाम के अखलाक की बुनियाद जो है किन चीजों पर है, इस्लाम के अखलाक की बुनियाद किन चीजों पर है, सब्र, एहसान, एसार। अगर आप गौर फरमाए ना, ये तीन चीजें रूट है, सब्र, एहसान, एसार। सबसे पहले अपने हालात पर सब्र करना, अपने साथ होने वाली ज्यादती पर सब्र करना या अल्लाह की तरफ से मिली हुई कमी पर सब्र करना, और दूसरे से हसद ना करना, ठीक है। उसके बाद एहसान करना, जो मेरे पास है मैं अपनी जात की बजाय दूसरे पर खर्च करूं, दूसरा नहीं मेरे साथ करता खैर है मैं उसके साथ करूं, ठीक है ना। नेकी की आला तरीन शक्ल, और फिर एसार, एसार, एसार समझते हैं, मुझे जरूरत है लेकिन कोई बात नहीं मैं अपने भाई को दे दूं। एहसान तो ये है ना कि अपनी जरूरत के अलावा किसी को दिया, लेकिन एहसार है जरूरत मुझे भी है, मैं भी जरूरतमंद हूं लेकिन मेरा भाई ज्यादा जरूरतमंद है, खैर है उसको दे दूं, उसका काम बन जाए। तो इन तीन चीजों पर इस्लामी अखलाक की बुनियाद जो है ना रखी गई है। तो जो कम तरीन लोग थे ना अहदे नबवी में, वो भी सब्र के आला तरीन नमूने थे। और आप देखिए कि जो बड़े सहाबा थे वो तो मोहसिनीन थे, है ना। और अंसार के लिए तो अल्लाह ने खुद कहा अंसार ऐसे लोग हैं अपनी जात पर मुहाजरीन को तरजीह देते। तो ये तीन चीजें बुनियाद है, बाकी सब शाखें इसी में से निकलती हैं इस्लामी अखलाक की, सब्र, एहसान, एसार। ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्तकिल सुन्नतें, मुस्तकिल सुन्नतें, इनको अपनाना। हमें अपने अंदर से चेंज लाना है अपने आप, ये चेंज बाहर से नहीं आ सकता, कोई ढक्कन नहीं कि खोल के उंडेल दिया जाए, ये अंदर से निकलता है, जैसे पौधा निकलता है ना दिल से, ये चीजें इस तरह निकलती हैं। क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तकवा हाहुना, तकवा यहां है, कहां, दिल में। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल एहसान हाहुना, एहसान यहां है। तवील हदीस है, आप तो मुख्तलिफ नेकियां गिनवाई यहां, क्या मतलब है कि दिल मकाम है नेकियों का, ठीक है। तो ये पौधे की तरह फूटती है, अंदर से बाहर आती है, बाहर से अंदर नहीं जाती। तो फिर अंदर से बाहर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बीज डाले, उसको सेंते, पानी दे, परवान चढ़ाए। तो बीज नियत है आपकी, इरादा, नियत किसको कहते हैं, पुख्ता इरादे को। ये नहीं है कि अच्छा आज आज नियत की है, बूढ़ी हो जाऊंगी तो पूरी करूंगी, नहीं, नियत होता है पुख्ता इरादा, अज्म। तो जितनी आपकी नीयत पुख्ता होगी उतना आपका बीज अच्छा होगा। इस बीज को डालें, ठीक है, और इस्तग़फार के जरिए, अल्लाह से दुआ के जरिए और कोशिश के जरिए इसको परवान चढ़ाएं। फिर जब ये पौधा निकलेगा ना, फिर इसके फल फूल आपको तो फायदा देंगे ही देंगे, सबको देंगे, ठीक। तो ये परवान चढ़ाना पड़ता है, ये पौधा है, ये लगाना पड़ता है, ठीक है। तो ये जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का सही मफहूम हमें समझ आएगा ना, तब तब्दीली आएगी। आप देखिए लोग क्या करते हैं, खाते सुन्नत के मुताबिक है, पहनते सुन्नत के मुताबिक है, हुलिया देख के लगता है कि अभी अभी जन्नतुल बकी से ही निकल कर आए, है ना, दोबारा उठा दिए गए। लेकिन जुबान, मुंह खोलते हैं तो जुबान तल्ख, बदकलामी। मुझे एक बहन ने बताया कि एक ग्रुप बनाया गया है, नाम भी मुझे बता रही थी मैं भूल गई हूं, और नाम बड़ा अच्छा अरबी नाम, मैं भूल गई हूं नाम। वो कहने लगी कि ग्रुप बनाया गया है जिसमें वो क्या करते हैं कि खास इस्लामी हुलिये में बैठ जाते हैं ग्रुप बनाकर, और बाकायदा गालियां दे रहे होते हैं उन लोगों को जिन्हें वो गुस्ताखे रसूल समझते हैं। अब अपार्ट फ्रॉम दैट कि वो गुस्ताखे रसूल है या नहीं है, फर्ज कर लें एक लम्हे के लिए है, अल्लाह ना करे, आप फर्ज कर लें मिस्टर ए गुस्ताखे रसूल है, उससे वाकई गुस्ताखी की है। अब क्या उसका रिजल्ट ये है कि मैं उसको गालियां दूं,
मुझे ये हक मिल गया। वो तो गुस्ताखे रसूल है, शायद वो तौबा करके ठीक हो जाए, मैं तो मुनाफिक हो जाऊंगी, है ना, मुझमें मुनाफिक की एक सिफत आ जाएगी, वो कैसे निकलेगी, उससे मेरी जान कैसे छूटेगी। अगले को जुकाम हुआ है, मैं उसके गजब में अपने आप को खंजर मारकर अपनी आंतें बाहर निकाल लूं, ये कहां की अकलमंदी है। अगले को जुकाम की दवाई दो, तुम तो अपने आप को हर्ट कर रहे हो। ये तो है कि अगले की उंगली जली है, मैं हाथ जलाऊंगा, ये कहां की अकलमंदी है। हाल हुलिये बनाना सुन्नत वाले और तरीके अख्तियार करना ऐसे बदतमीजाना। एक नेबर मेरी मुझे कहने लगी कि वो फार्मेसी पे गए और फार्मेसी पे जो सेल्समैन खड़ा था वो बड़ा दीनदार हुलिये वाला, लंबी दाढ़ी और अमामा पहना हुआ, और दवाई जो थी वो वापस करनी थी, चेंज करनी थी, और स्लिप साथ थी और लिखा हुआ था कि आप स्लिप लेकर आएंगे तो चेंज हो जाएगी। तो उसने बड़ी बदतमीजी से बात की और उनको यानी कि एक तरह से झिड़क ही दिया, तो वो फिर गजबनाक हो गए उनके मियाँ, वो कहने लगे कि आपने अमामा इतना बड़ा बांधा हुआ है, दाढ़ी इतनी बड़ी उगाई हुई है, तो आपको ये नहीं पता कि दूसरों से बात कैसे करते हैं और खासतौर पर हवातीन से बात कैसे करते हैं। तो इस बात पे फिर जब यानी कि टू तकार हुई तो वो काफी यानी उन्होंने लूज लैंग्वेज इस्तेमाल की। अब मुझे बताएं आप इस लूज टॉक का असर फिर पता क्या होता है, मर्द हजरात पता क्या कहते हैं, कहते हैं मौलवी होंगे अंजदे। अब क्योंकि हमारा जहन ये बन गया कि अमामा पहन लिया, दाढ़ी रख ली, दाएं हाथ से खा लिया, पैंचा ऊपर कर लिया, सुन्नत पूरी हो गई। ये नहीं पता कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी सुन्नत ये है कि जब बात करते थे आहसन करते थे, है ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जब आप मदीना आए और पहली स्पीच जो आपने जुम्मे की दी तो क्या कहा था, खाना खिलाओ, रात को उठ के नमाज पढ़ो, लोगों से अच्छी बात कहो और सलामती से जन्नत में चले जाओ। अब्दुल्ला बिन सलाम ने यही पहली डिबेट आपकी सुनी थी ना। और अल्लाह रब्बे करीम ने हमें हुक्म दिया वकूलु लिलनासि हुस्ना, लोगों से हसीन बात कहो, अच्छी बात कहो। तो सुन्नत पूरा जहन का अंदाज़े फिक्र बदलने का नाम है, वो अंदाज़े फिक्र लाना जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। चंद चीजों को रिचुअल बना लेना सुन्नत नहीं है, ये तो बदनाम करना है सुन्नत को। मोहम्मद अली नाम रखकर कूड़े के ढेर पर बैठने का कोई फायदा नहीं के है, नहीं कोई फायदा नहीं। अखलाक तब्दील करें, किरदार तब्दील करें, तब तब्दीली आएगी। अभी कल ही मैं देख रही थी बीबीसी की एक रिपोर्ट देख रही थी, उन्होंने दी हुई थी 18th सेंचुरी के तीन लॉर्ड्स के बारे में, पायोनियर्स थे मुसलमान हुए उस जमाने में जब इस्लाम कबूल करना ट्रीजन माना जाता था लीगली। तो उसमें फिर उस पूरी बड़ी 1.5 घंटे की वो रिपोर्ट थी उन्होंने उस पर बनाई हुई थी, तो उसमें जो बेसिक वो बता रहे थे कि उनको बहुत तकलीफात उठानी पड़े, खानदान ने छोड़ दिया, उनकी खिताबात ले लिए गए वगैरह वगैरह, जैसे हो सकता ट्रीजन के केस चले उनके ऊपर। मगर वो कहते कि उन्होंने इस्लाम को इंट्रोड्यूस कराने के लिए जो तहम्मुल और जो हौसला शो किया वो उसी के वाक्यात बता रहे थे, वो कितने अखलाक से मिले, वो पहला इंट्रोडक्शन है लोगों के लिए इस्लाम का, क्योंकि उस वक्त बरतानिया में इस्लाम से वाकिफ लोग मौजूद नहीं थे। तो ये मुसलमान हुए और इन लोगों ने जिस तरह इस्लाम को इंट्रोड्यूस कराया तो उसके वो वाक्यात मुख्तलिफ बता रहे थे, उनके अखलाक, उनकी आदात, उनकी नरमी, लोगों का उन पर तंज और रवैया, उनका बदले में लोगों के साथ रवैया। और फिर वो बता रहे थे कि इसका क्या इफेक्ट हुआ, कैसे लोगों के जहनों में उनके लिए नरमी आई, लोगों के रवैये तब्दील हुए। और यानी कि जो रिपोर्टर थी उनकी, वो कह रही थी कि आज मुसलमानों की तादाद इतनी और इतनी है, तो ये इतनी तादाद जो है इसका बीज इसकी बुनियाद जो है वो तीन लोग डालकर गए कि लोगों के अंदर इस्लाम की एक्सेप्टेंस पैदा हुई। ठीक है, अब वो लोग मर गए, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। आप देखिए कि उनके मरने के बाद और इतने 100 साल बाद उनके अपने मुल्क के लोग जो मजहबन अभी भी ईसाई हैं और वो चैनल भी ईसाई है, वो उनके अखलाक को मानने पर मजबूर है ना, वो मजबूरन एतराफ कर रहे हैं, तारीखी हकीकत है, झुठला नहीं सकते, है ना। हमारा अखलाक क्या। इसी तरह आप देखिए कि कुछ अर्सा पहले एक बहन ने मुझे एक साइट दिखाई, एक साइट बनी हुई थी वैसे यूथ साइट थी कोई, तो उस पर एक मालदीप का एक बच्चा था, उसने कुछ कमेंट किया हुआ था हजरत आयशा और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि
भाई कम उम्र से शादी की वगैरह। अब जाहिर है वो एक गैर मुस्लिम बच्चा था, उसने जो भी बात लिखी थी, अब उसके जवाब में हमारे नौजवानों ने क्या लिखा हुआ था, उसके ऊपर क्या कमेंट्स दिए थे, गालियां, लिटरल गाली, माँ की बहन की नंगी गाली। यानी आपकी ये गालियां देने से वो बच्चा चेंज हो जाएगा या रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत बढ़ जाएगी, क्या होगा? वो बच्चा तो एक इल्मी बात कह रहा है जो उसके इल्म में, ठीक है ना। एक आम बंदा जिसको कोई दीन की भी फहम नहीं और तारीख का भी इल्म नहीं, वो अपने तौर पर सोचता है तो कहता है अच्छा 54 साल की उम्र थी, 9 साल की उम्र की खातून की, तो ये तो ज्यादती थी, ठीक है। अब वो इस हवाले से उठकर बात करता है, उसका कोई लगाव भी नहीं है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। आप तो मुसलमान है ना, आप जब गालियां दे रहे हैं तो वो क्या परसीव करेगा इस सावन मुसलमानों के बारे में? आपके पास इल्म होगा तो जवाब देंगे ना, उसको कायल करें। सबसे अच्छी बात तो ये है एक मुसलमान के लिए कि वो इस्लाम के बारे में सोच रहा है, उसने पढ़ा तो उसने लिखा ना। अब यहीं से आप उसको अगर यू टर्न में लिए हैं तो क्या हो, मुसलमान हो जाओ। मगर हमारे पास तो एक ही चीज है, वायलेंस। यहां मसाइल आते हैं। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत क्या है? बेहतरीन बात पेश करना, बेहतरीन रवैया पेश करना, बेहतरीन तरीके से इस्लाम पेश करना, तभी जाकर दीन फैलता है, तभी लोग मानते हैं। बहुत आसान था कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बद्दुआएं करते और सारे मक्का वाले मर जाते, लेकिन आपने मुश्किल रास्ता अपनाया, आपने उनके लिए दुआएं मांगी और फतेह मक्का के मौके पर बहरहाल सब मुसलमान हो गए, पूरा मक्का मुसलमान हो गया, आपकी कौम के लोग मुसलमान हो गए। तो ये है असल सुन्नत। तो सुन्नत एक रवैया, एक अंदाजे फिक्र है जिसे अपनाना है, ठीक है, ये बात समझ में आई? तो इसको इसी तरह बच्चों को कन्वे करें। सुन्नत चंद तरीकों का नाम नहीं है, ठीक है। ये बहसें जो शुरू हो जाती है टेबल पर, सब लोग चमचे कांटे से खा रहे हैं, एक बंदा हाथ से खा रहा, कोई हर्ज नहीं, जरूर खाए, लेकिन अब जो चमचे कांटे से खा रहे हैं वो उनको ऐसे ऐसे देखता, मैं तो हाथ से खा रहा हूँ, सुन्नत पूरी कर रहा हूँ। नहीं, सुन्नत दाएं हाथ से खाना, चम्मच से खाने पर कोई एतराज नहीं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े नफासत पसंद इंसान थे, अगर आपको चमचे मिल जाते आप चमचों से खाते, अरब में राई जी नहीं थे। हाँ, दाएं हाथ से जरूर खाएं, अगर कोई हाथ से खा रहा है अच्छी बात है, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन बात यह है कि सुन्नत इन चंद रिचुअल्स का नाम नहीं है, सुन्नत किसी दिखावे का नाम नहीं है, सुन्नत उस अंदाजे फिक्र का नाम है जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनाई। और उस अंदाज फिक्र को एक लफ्ज में आप कह सकते हैं खैर खाही, इंसानियत की खैर खाही। आपने सबकी सिर्फ खैर खाही की, बुरे से बुरे की भी खैर खाही की, ठीक है, हमें भी खैर खाही करनी चाहिए। हम लोगों का मसला पता क्या है, हम लोग डिट्रैक्ट हो जाते हैं अपने माहौल से, अपनी चीजों से, बार बार अपने आप को लाइन पे लाते रहें। उसके लिए पता है क्या करना पड़ेगा, रस्सी पकड़नी पड़ेगी ना, वातसिमु बिहब्लिल्लाह, और हब्लिल्लाह क्या है, कुरान और सुन्नत। तो फिर इंशाल्लाह वापस ट्रैक पर चढ़ते रहेंगे और इंशाल्लाह मंजिल पर पहुंच ही जाएंगे। लिहाजा सुन्नत एक अंदाजे फिक्र है जिसे अपनाना, ये अंदाजे फिक्र वाजी हो जाते हैं तो इंसान बदल ही जाता है। जी देखें, ये तो साथ ही आ गया ना, जुनून बकुम जो आया वहां पर वक्फिला मुतलक आया, फिर आगे फरमाया गया वल्लाहु गफूरुर रहीम। ये इसीलिए बताया गया कि जब भी कोई बंदा सुन्नत पर अमल और कुरान पर अमल शुरू करेगा एक दिन में नहीं हो जाएगा। अच्छा, एक दिन में कोई चैंपियन बनता है कोई भी काम? आप देखिए, एक बंदा डॉक्टर बना, जैसे आपका बेटा कितने साल पढ़ा है उसने, वो तो खास मेडिकल की पढ़ाई पढ़ी, अगर बचपन से देखें तो 19 साल तकरीबन बन जाते हैं ना, तो आप देखिए महीनों लगते हैं कोई भी चीज सीखने में। तो इसी तरह दीन का अखलाक सीखने में भी टाइम लगेगा। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन वन नाइट, क्या रोम का शहर मिसाली था ना, तो कहते थे रोम का शहर एक रात में तामीर नहीं हुआ था। ये स्टेप है, सीढ़ी है, छलांग लगा के कोई ऊपर नहीं चढ़ सकता। जैसे लोग चाहते हैं ना कि कोई वजीफा बता दो रातों रात क्या हो जाए, क्या कहते हैं, कल की हैयत बदलने को, लफ्ज मुझे अब भूल गए, हाँ जी, कल जारी हो जाए,
मैं खास लफ्ज बोलते मैं भूल गई हूँ, तो वो इसीलिए वो फिर ये बातें भी बनाई गई जी, वो पीर साहब गले मिलते हैं और भेजते हैं तो कल्ब जारी हो जाता है, नहीं कोई नहीं जारी जूरी होता, ये होता तो आसान ही था रसूल अकरम सल्लम अबू जहल को 2-3 दफा गले लगाते और अबू जहल मुसलमान हो जाते या अबू तालब ही हो जाते, चलो अबू जहल को छोड़ो वो तो बहुत इकट्ठा था ना, तो अबू जहल अबू तालब तो नहीं थे, खुद अपने बेटे अली को हिदायत की हमेशा मेरे भतीजे के साथ रहना, इसके तरीकों पर चलना, खुद सिर्फ अना से रुके हुए थे ना, एक अना ही तो थी उसको फलांगना था, तो आप सीने से लगा के भेजते और हक आ जाता ना, कोई सीना तो सीना सदर बाय सदर ट्रांसफर नहीं होता, सब कहानियां हैं, ये सीढ़ी है, एक एक कदम एक एक कदम एक एक कदम, वो मशहूर नात है ना, जहे मुकद्दर हजूर हक से सलाम आया पयाम है, उसका बड़ा खूबसूरत और बामाने शेर है, वो कहते हैं ये राह हक है संभल के चलना, यहाँ है मंजिल कदम कदम पर, पढ़ते हो साथ आप सोचते नहीं है कि ये रास्ता जो दीन का है इसका हर कदम एक मंजिल है, लेकिन हर मंजिल के आगे एक और कदम है, तो हर दिन जो है ना वो आपका एक नया कदमचा तय होता है, इसीलिए उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु ने कहा कि जो अपने हर आने वाले दिन में पिछले दिन से बेहतर नहीं है अपनी हालत में, वो दुआ करे मैं मर जाऊं, क्या फायदा फिर जीने का, सफर रुक गया हिदायत का, ठीक है, तो ये सफर है, तो जैसे बच्चा चलना शुरू करता है ना, फिर चलने से दौड़ने तक का सफर है, वो बार बार गिरता है बार बार उठता है, तो पुराना शेर है घिसा पिटा लेकिन बहुत बामाने है कि गिरते हैं शहसवार की मैदान जंग में, वो तिफिल क्या गिरे जो कि घुटनों के बल चले, दो ही रस्ते हैं, या तो सारी उम्र क्रॉलिंग करते रहो फिर नहीं गिरोगे, और अगर चलोगे तो गिरोगे भी, शहसवार भी गिरते हैं ना, जो बिल्कुल सही होते हैं वो भी कभी गिर जाते हैं, कभी नफ्स गालिब आ जाता है, कभी गलती हो जाती है ना, तो ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, इमाम कसाई जो है वो खिलात के बहुत बड़े इमाम हैं, तो बहुत बड़ा नाम है खिलात का, तो मामून रशीद के पास थे तो नमाज पढ़ा रहे थे, तो नमाज पढ़ाते हुए उन्होंने पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमैन, अब ये पढ़ गए, पहले दोबारा दोहरा के पढ़ दिया, बाद में किसी की जरूरत नहीं हुई कि उनको पॉइंट आउट करें कि आपने गलत पढ़ा, क्योंकि बहुत बड़ा नाम थे, तो बाद में जब बैठे मामून के साथ तो मामून कहने लगे कि इमाम साहब ये कौन सी किरात थी, मैंने पहले नहीं सुनी, उन्होंने कहा अमीरुल मोमिनीन कभी कभी तेज रफ्तार घोड़ा भी ठोकर खा जाता, तो मुझसे गलती हो गई, तो देखिये बात यह है कि इंसान है बतकाज़े बशरियत गलती तो होगी, लेकिन आप जब चलते हुए गिरते हैं तो बैठ के रोना शुरू कर देते हैं कि फिर उठ के चलने लगते हैं, फिर उठ के चलने लगते हैं, ये भी सफर है, ये ऐसे ही चले, एक हालत पर रहना फरिश्तों का काम है, लिहाजा फरिश्ते अगर तनज़ुल का शिकार नहीं होते ना तो इर्तका भी नहीं पाते, ये खूबी सिर्फ इंसान में है, बहका तो बहुत बहका संभली संभला तो वली ठहरा, बहका तो बहुत बहका संभला तो वली ठहरा, इस खाक के पुतले की हर बात निराली है, ऐ अल्लाह ने इसे फौकुल मखलूकात नहीं बनाया, इंसान को सब मखलूकात पर फजीलत नहीं दी, तो लिहाजा गलतियों से नहीं घबराना चाहिए, गलती का मतलब यह है कि आप कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह भी नजर रखे हुए होते हैं, तो गलती का कोई मसला नहीं, गलती हो तौबा करें फिर चलें फिर चलें फिर चलें। मालिक बिन दिनार कहते हैं कि एक गुनाह मुझसे जो सरजद होता था मैंने 70 दफा उसकी तौबा की, 71वीं दफा जाकर मुझे निजात मिली उससे, ठीक है, अब देखो उन्होंने गुनाह नहीं बताया क्यों, इशात ना हो, और साथ ही ये भी बता दिया कि तौबा का की कोई लिमिट नहीं है, ये कोई खेल नहीं है, यही तरीका है, बाहर लगता है कि तो खेल है, ये खेल नहीं है, यही तरीका है, ये पता क्या तरीका है, पांडा मांझना, मैंने आपसे अर्ज किया था ना कि जली पतीली जो एक दफा में नहीं मांझी जाती तो फिर आप फेंक नहीं देते, आप लगे रहते हैं, बस वही आलम है, वो चूंकि जला हुआ है दिल खराब हुआ हुआ है तो थोड़ा सा तंग तो करेगा, लेकिन कोई मसला नहीं है, कितनी दफा आखिर किसी दिन तो अल्लाह इस्तकामत देंगे, हम लोग हिम्मत हार जाते हैं, आपको पता है कितनी कोशिश करनी पड़ती है, इमाम मालिक जो है वो कहते हैं कि एक मसले के लिए मैंने कुरान पढ़ा मसले के जवाब के लिए, मुझे नहीं मिला, 300 मरतबा मैंने पूरा कुरान पढ़ा बकरा से नास तक, 300 मरतबा, 301वीं मरतबा जाकर मुझे अपने सवाल का जवाब मिला कुरान, हम फौरन हार जाते हैं, मेरे लिए तो कुछ है ही नहीं, वो तो खैर चलो मसले के हवाले से कह रही है, मैं सिर्फ कोशिश की बात कर रही हूँ कि कोशिश इतनी करनी पड़ती है, तो कोशिश किए जाए, आप फर्ज करें कि वो आदत छोड़ ही नहीं सके, मर गए कोशिश कर रहे थे, आपको क्या पता अल्लाह के यहाँ वो कोशिश ही मकबूल हो जाए, क्योंकि अल्लाह रब्बे करीम इंसान की एफर्ट को देखते हैं, इंसान के खलूस को देखते हैं, ठीक है,
तो लिहाजा कोशिशों से नहीं घबराना। और अगर वो आदत में तब्दील हो जाए क्या? ये कोशिश ठीक है, एक बार माफी मांगे, वो इंसान यूज्ड टू हो जाता है ना? नहीं, यूज्ड टू नहीं होता। देखिए, अगर उसमें खलूस है तो यूज्ड टू नहीं होगा। अगर उसमें खलूस नहीं है, वो मुनाफकत कर रहा है, तो फिर तो वो अपने दिल का हाल जानता है। दो चीजें, एक ये है कि एक इंसान वाकईतन कोशिश कर रहा है, कोशिश करता है, फर्ज करें गीबत छोड़ने का अहद किया, अब गीबत नहीं की, 10-15 दिन नहीं की, फिर कोई पुरानी सहेली आ गई जिससे बहुत प्यार है, तो बैठे तो पता ही नहीं चला, फिर उठ कर गई तो ख्याल आया, अल्लाह जी मैंने तो गीबत ना करने का अहद किया था, अब अच्छा अल्लाह से माफी मांगी, इस्तग़फ़ार किया, पुख्ता अहद कर लिया, 1-2 महीने गीबत नहीं की। अब बहन आ गई अमरीका से, अब वो जो बैठे तो भूल भाल गए, हो जाता ना ऐसे। ये गलती है, ये आपकी गीबत आप समझते हैं कि 1-2 महीने में छूटेगी, नहीं, इसके लिए टाइम लगेगा। इल्ला ये कि अल्लाह ही किसी को मौजज़ाना किस्म की इस्तकामत दे दे, थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। अब दूसरा बंदा वो है कि जी फर्ज करे सूद का काम करता है, ठीक है, सूद कमाता है, जानते बूझते हुए सूद का काम करता है सारा, सूद का कर्ज लेन देन सब, और साथ बैठकर रात को एक तस्वीर पढ़ लेता है इस्तग़फ़ार की, ये खेल है। सौ पढ़ लें जी, 10,000 पढ़ लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या हराम खाते हैं, स्मगलिंग का माल कमाते हैं, रिश्वत का माल कमाते हैं, और हर साल चले जाते हैं हज करने उमरा करने, ये खेल है, क्योंकि वो पता है ना हम क्या कर रहे हैं, वो पता है। तो जानते बूझते हुए कोई ऐसा करता है तो उसको वो फिर मुनाफकत है, ठीक है, वो दिलों के हाल है, हमें खुद भी पता होता है, रब को भी पता होता है। और एक बंदा कोशिश कर रहा है, उस कोशिश में वक्ती नाकामी आ रही है, तो वो और बात है, ठीक है, उसमें इंशाल्लाह अल्लाह पुख्तगी देंगे, जरूर देंगे जी। मैम, जब हम कोशिश करते हैं दिल के साथ, पुख्तगी के साथ, जी आप सही कह रही है। देखिए, जब हम खलूस के साथ तौबा कर रहे होते हैं तो उसके असरात आने शुरू हो जाते हैं ना, आदत तब्दील होनी शुरू हो जाती है। तो मुनाफकत और चीज है, और खलूस और इखलास के साथ तौबा और चीज है, दोनों में फर्क है, ठीक है। तो अब हमने इस आयत से समझा क्या, इस आयत को हमने इतना ज्यादा वक्त क्यों दिया, क्योंकि हमारे लिए सबसे ज्यादा जिंदगी में हर बंदे की ये ख्वाहिश मौजूद है, हम अल्लाह के प्यारे बंदे बन जाएं, अल्लाह हमसे राजी हो जाए, उर्फे आम में हम अल्लाह के वली बन जाएं। उसके लिए हम तरह तरह की किताबें खरीदते हैं, तरह तरह के वजीफे करते हैं। अल्लाह रब्बे करीम जो हमारे हकीकी मालिक है, और कुरान जो हकीकी सरचश्मा हिदायत है, वो हमें बता रहा है कि अगर तुम मेरे वली बनना चाहते हो, अगर तुम मेरे महबूब बनना चाहते हो, तुम चाहते हो मैं तुमसे प्यार करूं, तो मेरे नबी के तरीके पर चलो, जब तुम मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलोगे तो मैं तुमसे मोहब्बत करने लगूंगा। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से मुराद कोई चंद रिचुअल्स नहीं है, बल्कि वो पूरा नजरिया हयात है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया दुनिया। उस नजरिया हयात को अपनाए बगैर चंद चीजों को अडॉप्ट कर लेने से कुछ भी नहीं हो सकता। जैसे कल मुझे एक बच्ची ने मैसेज भेजा कि हम लोग जो यूथ हैं, हमारे लिए इतना बड़ा महाज खुला हुआ है, आप लोग कहते हैं कि इस्लामिक सिविलाइजेशन सबसे बेहतरीन है, तो फिर ये क्यों कंप्लीट नहीं कर पा रही यूनिवर्सल सिविलाइजेशन को। यूनिवर्सल का लफ्ज उसने गलत इस्तेमाल किया, बहरहाल उसका मतलब था कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन। तो देखिए, उस बच्ची को भी मैंने आंसर दिया। बहरहाल बात यह है कि बिल्कुल सही बात है, इस्लामी तहजीब का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। इस्लामी तहजीब है कहाँ, कहाँ है इस्लामी तहजीब? क्या हमारी शादियां इस्लाम के मुताबिक हो रही हैं? क्या हमारे घरों का माहौल इस्लाम के मुताबिक है? क्या हमारी मौतें इस्लाम के मुताबिक हैं? हमारा जीना मरना सब कुछ यहूद के तहत, हिंदुओं के तहत ढल चुका है, मुसलमान है कहाँ? तुम ये कहते हो कि हो गए मुस्लिम नाबूद, हम ये कहते हैं कि थे भी कहीं मुस्लिम मौजूद? वजा में तुम होने सारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद? कौम मजहब से है, मजहब जो नहीं तुम भी नहीं, जज्बे बाहब जो नहीं महफिल अंजुम भी नहीं। तो वो मुसलमान है कहां, वो इस्लामी तहजीब है कहां जिसके साथ पेच लड़ाया जाए तो ये जीत जाए। समझ आ रही है ना ये बात? तो पहले वो चीज तो लाए जिसके साथ मुकाबला होगा, फिर मुकाबला होगा। लिहाजा हम सब कुछ गवा बैठे, खो दिया हमने सब कुछ, हमें रीगेन करना है सारा कुछ। तो वो पूरा इस्लामी नजरिया हयात अपनाना होगा जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था।
फिर आप देखें आपकी मकनतीसियत बढ़ेगी, आपके इर्द गिर्द लोग होंगे जो आपके साथ चलने पर रजामंद होंगे। थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन इंशाल्लाह लोग आते जाएंगे। आप देखें ना जैसे मकनतीस जो है वो लोहे को खींच लेता है ना, पत्थर वगैरह में से, बेकार चीजों में से, इसी तरह आप में जब मकनतीसियत आएगी ना वो सुन्नत वाली, तो फिर आप भी काम के लोगों को खींच लेंगे, वो खींच कर आएंगे चाहे दूर हो। तो जो खींच कर नहीं ना आ रहे फिर आप टेंशन ना ले, वो लोहा नहीं है, वो लोहा नहीं है। जी बिला शक कोई शुबार, तो मैग्नेट की पावर कैसे बढ़ेगी? सुन्नत से आप जितना करीब होते जाएंगे। देखिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत में मकनतीसियत थी ना, साहबा कहते हैं जो एक दफा मिलता था गर्वीदा हो जाता, कहते हैं आप पर जान तक निसार करने को तैयार हो जाता था एक मुलाकात में, एक मुलाकात में, है ना। ऐसे ज़याद बिन सकन का यही मामला है। ज़याद बिन सकन जो है, जंग शुरू हुई उहद की, हो रही थी, फिर जब वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत की खबर मशहूर हुई, मुसलमानों के हाथ पैर फूल गए, हार गए मुसलमान, भाग गए मैदान से, फिर वापस आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा हजरत काब बिन मालिक ने, सबसे पहले उन्होंने आपको देखकर आवाज लगाई, रसूल अकरम सल्लम इधर है। अब जब मुसलमान उधर पलटे तो कुफार भी पलटे, उन्होंने कहा अब ये बात सच्ची हो जाए कि रसूल अकरम सल्लम मारे जाए, पूरा जोर लगा दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द करीब सिर्फ चंद सहाबा थे, बाकी सहाबा सब लड़ रहे थे, मगर आप देखें ना कि मुसलमान 700 थे और मुकाबले में लश्कर 3000 था, तो यानी कि लहरों में गोते खाने वाली बात थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत करीब से हमले हो रहे थे, तो ऐसे में ज़याद बिन सकन ये उहद का जब वावेला मशहूर हुआ कि माज़ल्लाह खुदा न खास्ता रसूल अकरम सल्लम मारे गए, तो इस पर सहाबा भी आए ना खैर खबर लेने, तो उनमें ज़याद बिन सकन भी आए, पहले से जंग में शरीक नहीं थे। तो आपने उस वक्त ये कहा, जब ज़याद बिन सकन करीब पहुंचे तो उन्होंने सुना, आपने कहा कोई है जो मेरी हिफाजत के लिए अपनी जान कुर्बान करे और जन्नत का वादा ले मुझसे? तो ज़याद बिन सकन ने कहा ये वादा मेरे लिए भी है। आपने कहा हाँ आपके लिए भी है। तो वो और उनके साथ 5 अंसारी सहाबी थे, ये सिर्फ मैदान जंग का हाल मालूम करने आए थे। इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मौत पर बैत की कि हम मर जाएंगे लेकिन हम आपके करीब नहीं किसी को आने देंगे। तो ये 6 सहाबी वाकईतन इस शान से लड़े कि इन्होंने सफ़ों की सफ़ें उलट दी और सहाबा कहते हैं कि 2-2 मील गोया आपसे दूर कर दिया, नाप कर तो उन्होंने देखा लेकिन वो कहते हैं कि जो उमड़े आ रहे थे ना फौजे उनको बहुत दूर हटा दिया, ऐसे लग रहा था कि गोया मील मील 2-2 मील दूर हो गए। तो ये 6 के 6 लोग शहीद हो गए, ठीक है, लेकिन उस वक्त जब जरूरत थी तो वो आए और उन्होंने काम किए। तो बात यही होती है कि अल्लाह रब्बे करीम की रहमत बहुत वसी है और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जब आप काम कर रहे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेर निगरानी आप काम कर रहे हैं, तो कब कहाँ कौन सा मौका मिलने वाला है ये अपनी अपनी नसीब है, अपनी अपनी सादत है। ये सादत मैदान में पहले से मौजूद लोगों के हिस्से में नहीं आई जो ज़याद बिन सकन और उन 5 सहाबा के हिस्से में है ना। तो लिहाजा फिर होता यह है कि आप कोशिश करें इखलास और खलूस के साथ और लगे रहें और आगे बढ़ते चले जाएं, आगे बढ़ते चले जाएं। बात हो रही थी मकनतीसियत की, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत में वो मकनतीसियत थी कि आप देख रहे ज़याद बिन सकन और ये लोग सुनकर वापस भी जा सकते थे, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान को खतरे में देख कर मुमकिन नहीं हुआ, उन्होंने वाकईतन आप पर जान कुर्बान कर दी। तो जो मगरबी मुसन्नफीन है जिन्होंने इस्लाम के ऊपर रिसर्च की, अच्छी की बुरी की हर तरह की बातें की, ईसाई थे ज़ाहिर है मजहब, मगर कोई इस बात का इनकार नहीं कर पाता और वो मानते हैं कि जो है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हर मुश्किल वक्त में जान निछावर की, हर मुश्किल वक्त में कभी आपको अकेला नहीं छोड़ा, इस बात को तस्लीम करते। तो इसमें सहाबा की वफा के साथ साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात की मकनातीसियत का भी हिस्सा था। तो जितना आपकी सुन्नत पर चलेंगे उस कदर फिर ये मकनातीसियत बढ़ेगी और आप लोगों को अपनी तरफ खींच सकेंगे, ठीक है। कुल फरमा दीजिए अतीउ इताअत करो अल्लाह अल्लाह की व रसूला और रसूल की। आप कह दीजिए इताअत करो अल्लाह और रसूल की। जिंदगी कैसे गुजारो? अल्लाह और रसूल की इताअत में, अल्लाह की इताअत कुरान को माने और रसूल की इताअत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, वही बात है। फाइन फिर अगर तवल्लव वो मुंह फेरे फाइन्ना बेशक अल्लाह अल्लाह ला नहीं युहिब्बु महबूब रखता पसंद करता अल काफिरीन कुफर करने वालों।
फिर अगर वो लोग मुंह फेर लें आपकी बात सुनने के बाद इस हुक्म को नजरअंदाज कर दें तो अल्लाह काफिरों को पसंद नहीं करता। यहाँ काफिरों से मुराद कौन है? मुसलमान, क्योंकि अल्लाह और रसूल की इताअत का हुक्म मुसलमानों को दिया जाएगा कि गैर मुस्लिमों को? वो तो रसूल मानते ही नहीं है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, रसूल तो हम मानते हैं। अब जब कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, तो फिर इतना कहने से बात खत्म नहीं हो जानी, अब तो काम शुरू हुआ। अब अल्लाह रसूल की इताअत करो। अब अगर तुम इस कलिमे के बाद अल्लाह रसूल की इताअत नहीं करते तो तुम्हारा ये इनकार क्या है? कुफ्र। ये आई कुरान से दलील इस बात की कि जो इस्लाम के अहकामात पर अमल नहीं करता वो काफिर, अपने अमल से कुफ्र का ऐलान कर रहा, ठीक है। तो लिहाजा अल्लाह फरमाते हैं ऐसे नाशुक्र गुजार काफिरों को हम पसंद नहीं करते। तो फिर आज मुसलमानों में से कौन पसंदीदा है अल्लाह का? सिवाय चंद चुने हुए लोगों के कोई भी नहीं ना। तो फिर रहमतें किस पर उतरे, फरिश्ते किसके लिए आए, बारिशें किसके लिए आए? आप अल्लाह की गजबनाक नहीं देख रहे? साइंसी वजूहत अपनी जगह पर है, वो तो हमारी नाअहली का सबूत है कि हम इस कदर नाअहल हो गए कि इतनी बड़ी मुसीबत स्मॉग की सूरत में हमारे सरों पर आ रही है और पूरी दुनिया में आ रही है, कोई नई चीज नहीं है। हमें होश ही नहीं था कि अच्छा ये भी एक आफत है, और जब वो आफत आई और इस साल भी आई तो हमने कोई तैयारी नहीं की, है ना। जब तक अदलिया ने फैसला दिया और फाइन भी किया गवर्नमेंट को कि क्यों इंतजाम आपने किए और ये और वो, तो शायद अगली दफा कुछ हो जाए। ये दुनियावी तौर पर तो असबाब है ही है, लेकिन असल सबब क्या है? अल्लाह की नाराजगी। आपने देखा चंद कतरे बारिश के पड़े और स्मोक गायब हो गई, ये चंद कतरे कितने कीमती, ये पहले भी पड़ सकते थे, मगर अल्लाह रब्बे करीम हमसे नाराज है, क्योंकि अल्लाह राजी होता है तो बारिशें उतरती है ना। पैगंबरों ने हमेशा कहा, हज़रत हूद अलैहि सलाम ने कहा ना अपनी कौम से, अगर तुम अल्लाह की फरमाबरदारी करोगे अल्लाह तुम पर बारिशें उतारेगा, तुम्हें औलाद दे देगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया अल्लाह किसी कौम से राजी होता है क्या करता है, आपने कहा बारिशें उतारता है। ये अल्लाह की नाराजगी की अलामत है, अल्लाह गजबनाक है। मगर हम फिर क्या करते हैं? इस्तग़फ़ार फिर नहीं करते, हम फिर नहीं झुकते, हम फिर कहते हैं नहीं ये तो इस वजह से हुआ उस वजह से हुआ। बात यह है सब कुछ अपनी जगह पर और अल्लाह का हुक्म अपनी जगह पर। अगर अल्लाह का हुक्म बारिश का हो जाता पहले तो ये चंद कतरे पहले उतर आते और हम इतनी दिन अजियत ना उठाते। आपका मुझे नहीं पता लेकिन मैंने तो बहुत तकलीफ उठाई, क्योंकि मुझे वैसे भी अस्थमा है, तो घर से बाहर निकलकर तो मुझे सांस ही नहीं आ पाता और मुझे एक दो कामों के सिलसिले में निकलना भी जरूरी था। तो मैं जितनी मुझे उस सफर में यानी कि घंटे डेढ़ की ट्रैवलिंग में मुझे तकलीफ होती थी कि मैं फिर सारा दिन जो है ना निढाल रहती थी और मैं कहती थी अल्लाह जी आपका एहसान है कि ये वक्त ही है, ये मुस्तकिल हो जाए तो क्या। बिल्कुल लिटरल मुझे तो ऐसे लगता था कि मैं सांस नहीं ले पा रही, मैं बहुत मशक्कत करके सांस लेती थी। तो अल्लाह रब्बे करीम रहम फरमाए, ये अल्लाह की नाराजगी है, गजब है, क्योंकि हमने अल्लाह की इताअत छोड़ दी। हम अलल ऐलान चीख चीख कर अपने कुफर का इजहार भी कर रहे हैं और फिर चाहते हैं कि नेमतें भी हमारे घरों पर उतरें, ये नहीं हो सकता। अल्लाह और रसूल की इताअत करेंगे तो फिर मिलेगा सब कुछ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ना अल्लाह के पास जो कुछ है अल्लाह की इताअत के जरिए हासिल किया जा सकता है, ना फरमानी के जरिए, ठीक है। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ने इस्तफा चुन लिया आदमा आदम को, व नूहन नूह को, व आला इब्राहिमा इब्राहिम की औलाद को, व आला इमराना इमरान के घराने को, अलल आलमीन तमाम जहान पर। जुर्रियतन औलादे हैं, बाजूहा इनमें से बाज, में बाजिन बाज की, इनमें से बाज की औलादे हैं, ये एक दूसरे की औलादे हैं, ठीक है। इन्हें अल्लाह कहते हैं कि तमाम इंसान मैंने बनाए, इंसानों में से आमाल की वजह से चुने गए, कौन? आदम। तो आदम फिर चुने गए ना, तो गुनाहगार तो नहीं चुने जाते। तो ये जो ईसाइत का फलसफा है और यहूदियत का भी कि हमारे बाप का गुनाह हम सबको, ईसाइत का बुनियादी फलसफा यही है, हर इंसान गुनाहगार पैदा होता है अपने बाप आदम के गुनाह की वजह से, ठीक है। फिर जब उसको बैप्टाइज किया जाता है, बपतिस्मा दिया जाता है, तो वो पाक होता है, ठीक है। और लिहाजा जब एक बच्चा बालिग हो जाता है ना तो उसको फिर वो बपतिस्मा दिलवाते हैं ईसाई बनाने के लिए, वो कहते हैं नापाक है तो ये नहीं हो सकता। पहली बात ये है कि इस्लाम ने क्या तसव्वुर पेश किया, एक का गुनाह दूसरे को इफेक्ट नहीं करेगा, है ना। अमर बिन अलास रजी अल्लाह अन्हु मशहूर सहाबी है, बहुत बड़ा नाम है उनका, उनका अब्बा कौन था? आस बिन वाइल। तो आस बिन वाइल के अमाल ने अमर बिन अलास को इफेक्ट किया? नहीं किया। अच्छा खालिद बिन वलीद आप जानते हैं, तो खालिद बिन वलीद के वालिद कौन था? वलीद बिन मुगीरा।
तो मुतासर किया, कितना कट्टा काफर था वलीद बिन मुगीरा, है ना, लेकिन मुतासर हुआ नहीं। अच्छा, इकरमा रजी अल्लाह अन्हु के अब्बा कौन था? उतबा मुसलमान हुए अबू लहब के बच्चों में से। इसी तरह आप देखिए अबू तालब मुसलमान नहीं हुए और उनके बड़े बेटे तालब भी मुसलमान नहीं हुए, बाकी सब बच्चे मुसलमान हुए। तो क्या अबू तालब के इस्लाम ना लाने से मुतासर हुए बच्चे? कोई बाप अपनी औलाद के आमाल से मुतासर नहीं होता, इल्ला ये कि उसने तरबियत ना की है। अगर उसने तरबियत नहीं की फिर तो गुनाह होगा, अगर उसने तरबियत की और बच्चे खुद बिगड़ गए तो फिर वालदैन जिम्मेदार नहीं। और कोई जो है औलाद वालदैन के आमाल से मुतासर नहीं होती, आमाल अपने अपने। इसी तरह आप देखिए कि अब्दुल्ला जो थे उनका बाप जो था अब्दुल्ला बिन उबैय सुलूल पक्का मुनाफिक था और वो पक्के मोमिन थे, तो ये चीजें असर नहीं करती। इसी तरह आप देखें उतबा के जो बेटे थे वो हुजैफा, शुरू से मुसलमान थे और उतबा जो है मरा अबू ये जो है गज़वा बदर में सबसे पहले, सारी उम्र मुसलमानों के खिलाफ डटा रहा। तो ये इस्लाम ने तस्लीम नहीं किया, ठीक है। अल्लाह रब्बे ने बार बार कहा ला तज़िरु विज़रतन विज़रन उख़रा, कोई एक बोझ उठाने वाला दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा, एक असूल हो गया। दूसरी बात जो यहूद ने कही कि आदम अलैहिस्सलाम ने गुनाह किया और गुनाह की सजा में जमीन पर भेज दिए गए। यहूदियत ने यह अकीदा दिया कि आदम अलैहिस्सलाम ने गुनाह किया और बतौर सजा जमीन पर भेज दिए गए। हम इसको सूरह बकरा में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, जब आदम अलैहिस्सलाम को कहा गया जमीन पर जाओ उसी वक्त उन्होंने तौबा की आसमान पर ही, और अल्लाह रब्बे ने कहा तौबा कबूल कर ली है मैंने, लेकिन अब जमीन पर जाओ, अब टेस्ट होगा, ठीक है। और मैंने ये भी आपसे अर्ज किया था कि अल्लाह ने बनाया ही जमीन के लिए था, जमीन पे ही आना था, बिल्कुल अल्लाह रब्बे ने यही कहा वैस का अल्लाह रब्बू कलील बलाय कती दी जाए उनकी लर्जी खलीफा, मैं जमीन में खलीफा बनाने वाला। अब इन सबके तो कुछ खाया पिया ही नहीं हुआ, बिल्कुल तब तक कुछ खाया पिया तब तक बना ही नहीं था, खमीर ही नहीं बना था। अब देखिए एक और दलील आ गई, अल्लाह फरमाते हैं इन्नल्लाहस्तफा आदम, अल्लाह ने आदम को चुन लिया था। कब चुने गए आदम? अभी आप लोगों ने तौबा की बात की, सुन्नत पर अमल करते हैं गलतियां हो जाती हैं, फिर क्या करें? तौबा करें, बिल्कुल करें। शैतान आपको डराता है, तौबा करने वाले चुन लिए जाते हैं। आदम पहले इंसान थे ना, आदम से ज्यादा किसी ने हक को देखा है ना, आंखों से देख रहे थे ना अल्लाह को, फरिश्तों को, शैतान को, ये चीज हमें से किसी को नहीं मिली, ये सिर्फ आदम को मिली, ठीक है। आंखों से हर चीज देख रहे थे, आंखों के सामने शैतान ने दुश्मनी का ऐलान किया था। अल्लाह ने बराह रास्त कहा था कि आदम, किसी वास्ते से नहीं कहा था, बराह रास्त कहा था आदम तेरा दुश्मन है, इसके चुंगल में ना आना। फिर आदम बहक गए, बहके तो आदम से बड़ी फिर आप देखें गलती किसी से नहीं हुई, क्योंकि जो चीजें हम इल्मे गैब के तौर पर मान रहे हैं वो ऐनुल यकीन आंखों से देख रहे थे, सर की आंखों से देख रहे थे, ऐनुल यकीन के दर्जे पर थे, फिर भी गलती हुई और तौबा की तो अल्लाह ने चुन लिया। तो तौबा करने वाले चुन लिए जाते हैं। अभी आप सूरह मोमिनून में भी पढ़ेंगे, अल्लाह फरमाते हैं मेरे, अभी आले इमरान में भी आगे आयात आएंगे, अल्लाह रब्बे करीम फरमाते हैं मेरे बंदे वो हैं जिनसे जब कोई गलती होती है या कोई बेहयाई का काम करते हैं तो फौरन तौबा कर लेते हैं। ये नहीं कहा मेरे बंदे वो हैं जो बेहयाई का काम नहीं करते या तो गलती नहीं करते, क्योंकि वो इंसान की फितरत है, इंसान की फितरत है, कभी ना कभी कोई ना कोई गलती सरजद हो जाती है, इंसान जो हुआ, लिहाजा फिर क्या करना चाहिए? तौबा। देखिए ना फितरत में शैतान किस तरह हमारे साथ है, कि मुझे इस हदीस से बड़ा जो है वो इस सबक मिलता है कि एक सहाबी जो थे फजर की नमाज पढ़कर निकले रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे, तो हवातीन का हुक्म था, वो दीवारों के साथ साथ लगकर चलती थी, पर्दे का हुक्म आ चुका था, कोई खातून जा रही थी, उन्होंने ऊपर से ऐसे चादर ले रखी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी हुक्म दे रखा था कि औरतों के चले जाने दिया करो, उसके बाद उठा करो, आप जब तक उठते नहीं थे ना मर्द साहबा नहीं उठते थे, तो औरतों को हुक्म था सलाम फेरते ही चली जाए, तो औरतें फौरन चली जाती थी और मर्द 4-5 मिनट बाद निकलते थे। अब वो कोई एक औरत किसी वजह से पीछे रह गई होंगी, तो उन्होंने उन खातून को चुटकी ले ली। अब आप देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ के निकले, मगर शैतान है ना। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन खातून ने बता दिया, आज तक ये बात कोई नहीं जानता वो खातून कौन थी, इस बात का पर्दा रखा गया। लेकिन जब वो शाम को आए असर के वक्त दोबारा या मगरिब के वक्त, तो आपको सलाम किया आपने जवाब नहीं दिया, मुंह फेर लिया, परेशान हो गए, कहने लगे आप मुझसे नाराज है, आपने मुंह फेर लिया मुझे जवाब नहीं दिया। आपने कहा तुम्हें नहीं पता तुमने सुबह क्या हरकत की थी? उन्होंने कहा मैं अल्लाह और रसूल से माफी मांगता हूँ, मुझसे गलती हो गई।
तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें समझाया भी और माफ भी किया, अल्लाह ने भी माफ किया। कहने का इस बात से मतलब क्या है कि आप देखिए वो अल्लाह के नबी के सहाबी थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ के निकले थे, और जो खातून जा रही थी वो इस कदर बापर्दा थी कि उनको आज उनको नहीं पता और आज तक किसी को नहीं पता वो कौन खातून थी, फिर भी शैतान ने बरगला दिया। यानी कि बजाहर बरगलाने का कोई सबब नहीं था, फिर भी शैतान ने बरगला दिया। शैतान इस तरह है हमारे साथ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारी रगों में दौड़ता है, तो गलती तो होगी। गलती का मतलब ये नहीं है बैठ जाओ, तौबा करो, फिर कमरे हिम्मत बांधो, फिर चलो, फिर कमरे हिम्मत बांधो, फिर चलो। किसी वक्त तो अल्लाह हाथ पकड़ेंगे ना, किसी वक्त तो हाथ पकड़ेंगे। लिहाजा चलते चले जाना है, चलते चले जाना है, ठहरना नहीं। अल्लाह रब्बे करीम जरूर आसानियां देंगे। तो जब आदम अलैहिस्सलाम ने तौबा की, इसमें दो बातें हैं। पहली बात ये, आदम चुने हुए थे। यहूद भी गलत कहते हैं, ईसाइयों ने भी अकीदे को गलत बनाया। आदम चुने हुए थे, मुअज्जिज थे, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि तौबा जब इंसान करता है तो फिर अल्लाह उसे ना सिर्फ माफ कर देते हैं बल्कि अगर तौबा में खलूस हो तो अल्लाह मुंतखब भी कर लेते हैं, अल्लाह अपना बंदा बनाकर कायनात भी कर देते हैं, ड्यूटियां भी दे देते हैं, ठीक है। आदम के बाद खास तौर पर नूह का जिक्र आया। इसका मतलब ये नहीं कि आदम के बाद बराहे रास्त नूह आए थे, तवील जमाना है आदम और नूह के दरमियान। कितना है अल्लाह आलम, हमारे पास कोई तारीखी हकीकत मौजूद नहीं है। पता नहीं आदम अलैहि सलाम कितने अरसे पहले गुजरे। एक रफ जो स्केच बनाया जाता है यहूदियत का कि 5000 साल पहले, वो दुरुस्त नहीं है। 5000 पहले, 5000 साल कदीम तो हमारी ये मोहनजोदड़ो की तहजीब है जो हमारे इर्द गिर्द बिखरी हुई है। 5000 पहले तो मिस्र बस रहा था, वो फैरोज का खानदान चला आ रहा था, फैरोज का निजाम चला आ रहा था, जिसे उससे बहुत पहले मूसा अलैहि सलाम की मुठभेड़ हुई थी। यानी मूसा अलैहि सलाम के बाद के फैरोज चले आ रहे थे। तो पता नहीं आदम अलैहिस्सलाम का जमाना कितना पुराना है। वैसे भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कहते हैं ना कि आदम अलैहिस्सलाम 60 हाथ तवील थे, क्या मतलब है इसका? हाथ बमाने फुट, फुट क्या होता है, एक पैर, तो अरबी में यद इस्तेमाल होता है। तो 60 फीट और हदीस भी सही है, फिर कैसे इसको करेंगे? अच्छा खाली 60 फीट लंबे तो नहीं ना हो सकते, तार के दरख्त की तरह वो चौड़े भी उसी हिसाब से होंगे, है ना। आप देखिए बिल्ली और शेर एक ही नस्ल है, इन दोनों का स्केलेटन निकाल कर देखिएगा, आज नेट पर आसानी से मिल जाएगा। तो बिल्ली जो है ना वो छोटी है ना, उसकी पिंजर भी इतना सा है, और शेर बड़ा है तो उसका पिंजर भी इतना बड़ा, क्योंकि कोई चीज तवील होगी ना और चौड़ी नहीं होगी तो ट्रक करके टूट जाएगी, राइट, बैलेंस करने के लिए। जिस तरह लंबाई उसी तरह चौड़ाई, तो कितने ह्यूज, वो तो जॉइंट होंगे हमारे हिसाब से। फिर ये क्या सिलसिला है, अल्लाह आलम। मेरा जाती ख्याल ये है, जो मेरा जहन है, कि कदीम जमाना था ना, ये वो दौर था जब डायनासोर वगैरह मौजूद थे, उन्हीं के मुकाबले 60 फीट तवील बंदा जी सकता है ना। डायनासोर तो थे ना दुनिया में, और वो डायनासोर के जमाने के बड़े बड़े परिंदे शरिंदे भी थे। ये वही जमाना था जब इस कदर तवील आदम और फिर उनकी औलाद थी। फिर वक्त के साथ साथ जैसे और चीजों के साइज रिड्यूस हुए हैं, हमारा भी रिड्यूस हुआ, लेकिन उसका कोई असर तक नहीं मिलता। क्यों? डायनासोर का कोई असर मिलता है? कुछ नहीं, सिर्फ चंद फॉसिल्स ही तो मिले, कोई असर नहीं मिलता। वो सब तहजीबें खत्म होकर आप देखें, आइस एज गुजरी और इतने जमीनें तबाह हुई, इतनी दफा फिर आबाद हुई, अल्लाह आलम वो कहां गहराइयों में दफन हुई। तो मेरे हिसाब से तो लाखों साल का जमाना। जी जी, वो 9 गज से बथेरे मिलते हैं, लेकिन वो फेक है। एक बाजू है करके वहां। नहीं नहीं फेक है ये, देखें अगर ये हड़प्पा वगैरह में मिल जाए तो मसला ही ना तय हो जाए। लेकिन आप देखें कि हड़प्पा मिस्र वगैरह के अफराद जो 5000 साल 6000 साल कदीम तहजीबें हैं, उनके कदबुत हमारे जैसे थे। आद वगैरह के मिले हैं ना हमारे जैसे, आद वाले हालांकि बहुत कदीम है, आद वाले नूह अलैहि सलाम के बाद के लोग हैं, है ना, लेकिन वो भी हमारे जैसे कदबुत के लोग हैं। ये गंदारा ये वाले तो, ये तो अभी कल वाले गुजरे हुए समझे आप, तो ये भी हमारे कदबुत के हैं। मिस्र के आसार देखें, हमारे कदबुत के लोग हैं। इसी वजह से फिर साइंसदान जो है ना, वो शीशो पंच में वो कहते हैं नहीं मुमकिन, क्योंकि तौरात भी यही बयान करती है, इंजील भी यही बयान करती है कि आदम बहुत बड़े थे,
रसूल अकरम सल्लम तो बाकायदा कहा 60 फुट। अब साइंसदान कहते नहीं हो नहीं सकता क्योंकि कोई सबूत नहीं मिलता, लेकिन असल में आसार जो है वो हमें बहुत पीछे के नहीं मिले, सिर्फ 4-5 हज़ार साल पीछे के अभी तक आसार मिले। और दुनिया आपको पता है ना, दुनिया को ठंडे हुए कई खरब साल गुजर चुके, तो अल्लाह को ही पता है आदम कब पैदा किए गए। ये यहूद की मुंह की बात है कि जी 5 हज़ार साल का जमाना वो बनाते हैं आदम से अब तक का, लेकिन ऐसा नहीं, आदम से बराह रास्त नूह नहीं आ गए, पता नहीं कितना तवील जमाना गुजरा, कितना तवील जमाना गुजरा, अल्लाह वाला। ये सारी बातें तो कयामत के दिन खुलेंगी, लेकिन मेरा जहन ये कहता है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान बिल्कुल हक है, और साइंस की ये रिसर्च भी हक है कि जमीन पर कभी बहुत बड़े बड़े जानवर थे। ये वही दौर था जब इंसान इस कद्दो कामत का जमीन पर उतारा गया था। कुदरती बात है, हजरत आदम जब जमीन पर उतारे गए वो जमाना कौन सा था, हम ये डिस्कस कर रहे हैं। तो मैं कह रही हूँ कि जो डायनासोर एज है वही एज थी, और आपको पता है वो लाखों साल पहले का जमाना था, लाखों साल पहले का था ना। डायनासोर्स के मतलब तो आपने किताबों में पढ़ा होगा, तो वो लाखों साल पहले का जमाना था। तो फिर वक्त के साथ साथ तब्दीलियां आई और सब कुछ, क्योंकि उस वक्त जमीन पर सर्वाइव करना बहुत मुश्किल था, बहुत आसान होंगे। फिर आदम अलैहिस्सलाम के बाद के तवील जमाने के बाद पता नहीं कब जाकर इंसानों में शिर्क पैदा हुआ, खराबियां पैदा हुई, आगाज में नहीं थी, सब लोग तौहीद पर थे, एक ही दिन पर थे। फिर जब शिर्क बहुत फैला और शिर्क के खिलाफ जो पहले नबी आए वो नूह अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम की यही तफसीर है। इससे पहले जितने भी अंबिया आए अपनी अपनी कौमों में नबूवत का सिलसिला चलता रहा, लेकिन ये नबूवत का सिलसिला था इस्लाह के लिए, याद दहानियों के लिए, बाकायदा तौर पर शिर्क कहीं भी राइज नहीं हुआ था, थोड़ी थोड़ी खराबियां थी। शिर्क के खिलाफ जो पहले नबी खड़े हुए वो नूह अलैहिस्सलाम, इनकी कौम बाकायदा मुशरिक थी, बाकायदा पूजा जाते थे इनके यहां बुत। लिहाजा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा गया कि इंसानों में शिर्क का आगाज कैसे हुआ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शैतान ने कभी बराह रास्त आकर ये नहीं कहा कि शिर्क करो, बल्कि वो नूह की कौम के लोगों के पास आया इंसानों इंसान की शक्ल में, और कहने लगा, वो लोग अपने कुछ मरे हुओं पर अफसुरदा थे, कुछ उनके बुजुर्ग ऐसे मर गए थे जिनके पीछे वो अफसुरदा थे, तो ये उनके पास आया और उनको कहने लगा, तो उनसे ये कहने लगा कि तुम लोग अफसुरदा क्यों। उन्होंने कहा कि जी हम अपने फलाने फलाने बुजुर्गों के पीछे अफसुरदा। उसने कहा कि अगर मैं कुछ ऐसा तरीका करूं कि तुम उन्हें देख सकूं, उन्हें कहे तो बहुत अच्छी बात होगी, हम उन्हें बहुत याद करते हैं। तो उसने इनको तस्वीर बनाना और बुत बनाना, स्कल्पचर मेकिंग सिखाई और पोर्ट्रेट मेकिंग सिखाई, वहां से बतौर यादगार इन लोगों ने रखे। जब उनका दिल ज्यादा रंजीदा होता जाके देखाते, जैसे हम ज्यादा रंजीदा हो तो माओ की तस्वीरें निकाल के बैठ जाते हैं ना, हमारे लोग जाते और वो देखाते। अब इससे जो है उनका दिल बहलने लग गया, वो खुश होने लग गए। अब नस्लों में, एक दो दफा में नहीं, कई नस्लों में जाकर ताजीम शुरू हो गई कि जी हार फूल रखे जाने लगे, अगरबत्तियां सुलझाई जाने लगी, चढ़ावे रखे जाने लगे, वो ताजीम से आगे फिर मन्नतें और फिर मन्नतों से आगे पूजा शुरू हो गई नस्लों में जाकर। तो नूह अलैहिस्सलाम का जमाना खास जो है वो जमाना किस चीज का था, शिर्क का। नूह अलैहिस्सलाम के जमाने तक इंसान की हाइट वगैरह बहुत कम हो चुकी थी, लेकिन अभी हमारी जैसी हाइट के नहीं थे, बैल आराम से तवील थे और उम्र बहुत तवील थी अभी। लिहाजा आप देखिए उम्र हजरत नूह अलैहिस्सलाम की जो उम्र है तबलीग की वो 950 साल है, अपनी उम्र उनकी बाज लोग कहते हैं 1100 साल बाद कहते हैं 1500 साल, हमें नहीं पता, लेकिन कुछ भी नहीं तो 1000 तो होगी ना। और उनके जमाने के उनकी उम्मत के सारे लोग उनके हम जमाना थे ना, चंद एक को छोड़कर बाकी बने तो नहीं, इसका मतलब है कि एवरेज एज जो थी वो 1000 साल 1100 साल थी हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में। इनका जमाना बहुत कदीम, ये जो कहते हैं ना कि 5-4 हज़ार साल के करीब यहूदी कहते हैं, एस्टिमेट करते हैं, वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारे सामने पूरी तहजीब का, यानी अभी जो हमारे कैलेंडर्स हैं, जो अभी फैरोज वगैरह के जमाने के पूरे हमारे कैलेंडर्स मौजूद हैं, ये मोहनजोदड़ो के मौजूद हैं, इनकी अपनी कदामत 5000 साल बनती है। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम तो ढेरों पहले गुजर गए थे, ढेरों पहले। नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, फिर मूसा अलैहिस्सलाम का वास्ता पड़ा था फैरोज के साथ, है ना। तो उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम के बाद भी कई 100 साल फैरोज की हुकूमत चलती रही थी,
तो लिहाजा ये बिल्कुल गलत हिसाबात हैं और इन्होंने जो है ना बीच के सारे लिख जो है ना वो मिस कर दिए। हालांकि दूसरी तरफ तौरात का दावा है, यानी कि तौरात का मतलब तौरात तो अल्लाह की सच्ची किताब है जो इन लोगों ने बाइबल अब बना दिया है, तो इन्होंने जो बीच में बातें की है, तो यहूद का दावा है कि 2 लाख नबी आए, तो अगर 2 लाख नबी आए तो फिर बाकी के जमाना कहाँ गया? 5000 साल में तो 2 लाख गुंजाइश ही नहीं बनती, ये लाखों साल का किस्सा है। लिहाजा फिर आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम का खसूसियत से जिक्र आया। नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे, नूह अलैहिस्सलाम की कौम में से जो लोग मुख्तलिफ जगहों पर आबाद हुए उन्हीं में से बाबुल वाले लोग जो थे उनके यहाँ इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैदा हुए। तो फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मुंतखब किया उनके अमाल की बिना पर, और आपको पता है फिर इस्माइल अलैहिस्सलाम अरब में और इसहाक अलैहिस्सलाम फलस्तीन में तैनात किए गए, और इसहाक अलैहिस्सलाम से फिर बनी इसराइल का सिलसिला चला। ये है 5000 साल के करीब, उससे भी थोड़ा सा ऊपर का किस्सा, ठीक है। उसके बाद फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के औलाद में से आले इमरान चुने गए, यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद में अंबिया आते रहे मगर डाउनफॉल रहा, शदीद डाउनफॉल रहा, ठीक है। मूसा अलैहिस्सलाम का जमाना भी गुजर गया और बनी इसराइल बिल्कुल रुल गए, जैसे आज हमारा हाल है ना कि कहीं खड़े नहीं है, बस यही हाल बनी इसराइल का था जब अल्लाह ने फजल किया और इनके दरमियान अल्लाह ने नबी भेजे ईसा अलैहिस्सलाम, ठीक है। तो इमरान जो है वो मरियम के वालिद है, ईसा के नाना, ठीक है। तो वो एक नेक आदमी थे, इमरान जो है ये एक नेक आदमी थे, नबी नहीं थे लेकिन नेक इंसान थे। ये वफात पा गए और इनकी बीवी हामला थी, उनका नाम तौरात के मुताबिक हन्ना है, बाइबल के मुताबिक हन्ना है। तो हन्ना जो थी ये हामिला थी, तो इन्होंने ये नजर मानी कि जो मेरा बच्चा होगा मैं उसे बैतुल मुकद्दस की खिदमत के लिए वक्फ कर दूंगी, यानी आलम दीन बनाऊंगी। पता है क्या कैफियत थी जो आज हमारी है? आपको पाकिस्तान में आज इस वक्त एक नाम किसी ऐसे आलिम का जो पूरी कौम को लीड कर रहा है बता सकते हैं? नहीं है ना। इसको कहते हैं कहतुर रिजाल, उलमा की कमी हो जाना। औरतों में फिर भी डॉक्टर फरहत हाशमी है जिनको एक बड़ा मकतब फिक्र सुन रहा है, लीडिंग रोल कर रही है। मर्दों में कोई एक नाम देखिए, उनकी फील्ड अलग है, उनकी फील्ड अलग है, बेशक वो काम कर रहे हैं, वैसे तो फिर कहीं यानी लेवल पर, छोटे लेवल पर कहीं लोग काम कर रहे हैं। मेरा क्वेश्चन है कि एक ऐसा बंदा जो पूरी कौम को एक लाइन पर डाल दे, नहीं है ना। पूरी कौम में ठीक है, पूरी कौम कभी भी इकट्ठी नहीं होती, फितरत है ना इंसान की, लेकिन एटलीस्ट कि वो लोगों को इकट्ठा करके एक राह पे चला दे, बेशक वो आधे लोग राजी हुए हो लेकिन वो अपने उसके पीछे लग जाए, नहीं है ना कोई ऐसा लीडिंग कैरेक्टर। यही इसको कहते हैं कयादत का फुकदान या कहतो रिजाल। यही मसला बनी इसराइल में था उस वक्त, लिहाजा इन्होंने कहा कि मैं अपने बेटे को दीन का आलिम बनाऊंगी ताकि वो दीन की खिदमत करे और ये कहतो रिजाल का जो मसला है इसको हल करे, ठीक है। तो अल्लाह रब्बे करीम कहते हैं कि हमने फिर इमरान की औलाद को चुन लिया। क्यों चुना? इमरान तो मर गए थे बीवी की बिना पर, बीवी के हलूस नीयत के बिना पर। इस खैर की दाग बेल एक औरत ने डाली, एक बेवा औरत ने। हम लोग तो कहते हैं बस सुनते मैं कुछ कर ही नहीं सकती, मेरा मियां मर गया है, मैं तो बेवा, वो भी एक बेवा औरत थी, शोहर मर गया था, जवानी में ही बेवा हुई थी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और कितने बड़े काम का इरादा किया ना। अब इरादा उन्होंने किया तो अल्लाह ने कबूल कर लिया, खलूस नीयत थी, काम तो रब ने कराने होते। तो अल्लाह कहते हैं तमाम जहान में से हमने चुन लिया आले इमरान को। आले इमरान 2 औरतें, ठीक है, उनकी वालदा, क्योंकि जो ईसा थे बेशक इमरान के नवासे तो थे मगर उनको तो इब्ने मरियम कहा गया है ना। अल्लाह ने 2 औरतों को चुना, तो औरत होना कोई कमी की बात नहीं, सिर्फ अज़्म पुख्ता होना चाहिए, ठीक है। ये सब एक दूसरे की औलाद है, जाहिर बात है सब आदम की औलाद है। आदम अलैहिस्सलाम के कई सालों बाद नूह अलैहिस्सलाम की कौम के जो लोग बचे उनमें से इब्राहिम आए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलादों में से आगे चलकर ईसा अलैहिस्सलाम आए, और फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इब्राहिम की औलाद में से आए। वल्लाहु समीउन अलीम, अल्लाह सुनता है, अल्लाह जानता है। अल्लाह कहते मैंने उनको चुना, मैं तुम लोगों को भी चुनूंगा, लेकिन खुलूस चाहिए ना, खुलूस चाहिए, खुलूस चाहिए, खुलूस के बगैर नहीं।
तो लिहाजा जब खलूस होगा तो अल्लाह आज भी मुंतखब करेगा। नबूवत तो अब नहीं आनी, लेकिन अल्लाह के काम के लिए लोग तो चुने जाने हैं ना। और इसीलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ना, मेरी उम्मत के बाअमल उलामा जो है वो गोया अंबियाए मुरसल की तरह है। मर्तबे की बात नहीं हो रही, अंबिया के मर्तबे को कोई नहीं पहुंच सकता, बात हो रही है कि उनका काम वही है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो काम बनी इसराइल में अंबिया किया करते थे मेरी उम्मत में उलामा करेंगे, है ना। तो जिसने एक आलिम बाअमल के पीछे नमाज पढ़ी, उसने एक नबी मुरसल के पीछे नमाज पढ़ी। मर्तबे की बराबरी नहीं है, काम वही है ना। नबी के मर्तबे को कोई नहीं पहुंच सकता। अब बात यह है कि हम भी सेलेक्ट हो सकते हैं। अगर हजरत मरियम की वालदा सेलेक्ट हो सकती है, मरियम सेलेक्ट हो सकती है, हम भी हो सकते हैं। खुलूस चाहिए, खुलूस चाहिए, ठीक है। आप देखिए कि पूरी कौम में हजारों लाखों मर्दों में उनमें से बहुत नेक भी होंगे, हजरत जकरिया नबी भी मौजूद थे, लेकिन चुनी गई एक औरत। आप उस औरत के खलूस का अंदाजा लगाएं। वो कोई खास नीयत में खलूस मोहब्बत थी तो अल्लाह ने सबको छोड़कर उनको चुना। चुनाव का भी तो कोई सबब होता है, ठीक है। तो लिहाजा कल इंशाल्लाह किस्सा शुरू होगा आले इमरान का, इसको आगे लेकर चलेंगे। आज आपने ये बात समझी जो मैंने बुनियादी बताई, खलूस और कोशिश और अमल, ठीक है। थक कर नहीं बैठना, चलते रहे, रास्ते बनेंगे, खुलेंगे और अल्लाह हाथ पकड़ेंगे, अल्लाह नहीं छोड़ते। अल्लाह रब्बे करीम हमें इस्तकामत और तौफीक अता फरमाए। आमीन। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।